जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यूज पीएमसी। आज क्रिकेट की बात में बात करते हैं, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट का प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम ऑन द पेपर बेस्ट या अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सूट पे नजर आती है, कौन सी टीम किक के पास एज है और कौन सी टीम ज्यादा चांसेस रखती है बेनो कादर ट्रॉफी के सेकेंड टेस्ट मैच कराची में जीतने के हवाले से। तो देखते हैं, करा पाकिस्तान की टीम काफ़ी बिग नेम्स पाकिस्तानी टीम में वापस आए हैं, हसन अली, फहीम अशरफ, जो कि पाकिस्तानी बॉलिंग साइड का एक स्ट्रॉन्गर सूट साबित हो सकते हैं, पाकिस्तानी टीम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान ने रावलपिंडी में पिच स्विंग पिच या ग्रीन टॉप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे पेसर्स थे और पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर नहीं थे। इंजरी की वजह से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नहीं थे, अब वो वापस आ गए और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने काफ़ी अच्छे रन किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर देखा जाए तो उनके टीम में भी चेंजेस हैं, मिचेल स्वेप्सन आएंगे जोश हेजलवुड की जगह और काफ़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी नज़र आ रही है। वो पाकिस्तान में इंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो अब देखते हैं सेकेंड टेस्ट मैच कौन जीतता है, पाकिस्तान अपने होम क्राउड के सामने होम क्राउड में एक अच्छी परफॉर्मेंस देके इस टेस्ट सीरीज का ऑफ द मार्क होना चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया भी इजी विन नहीं देगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास भी काफ़ी फायर पावर है, बैटिंग लाइनअप उनकी काफ़ी अच्छी है, बॉलिंग लाइनअप भी उनकी काफ़ी अच्छी है, कैप्टनशिप भी अच्छी हो रही है, बस उनको बॉलिंग में अच्छे प्लान्स लेके आने हैं। उन्होंने लेग स्पिनर जो इंट्रोड्यूस कराएंगे वो कल, अब वो देखना है पाकिस्तान उसको हीरो ही ना बनवा दे क्योंकि लास्ट टाइम दुआन ओलिवेयर और एजाज पटेल ने जब पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था तो उन दोनों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। तो अब देखते हैं मिचेल स्वेप्सन क्या पाकिस्तानी टीम को तंग कर पाते हैं या नहीं, और या पाकिस्तान एक नेशनल स्टेडियम में अच्छी स्पिन विकेट बना के ऑस्ट्रेलिया को फंसाएगा और स्पिन के थ्रू डोमिनेट करेगा इस टेस्ट मैच को। अब देखते हैं बाबर आजम की 100 भी मोस्ट अवेटेड है क्योंकि 2 साल से उन्होंने टेस्ट सेंचुरी नहीं की है। तो अब देखते हैं कौन सी टीम कल टॉस जीतती है और टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि कराची की पिच एंड फोर्थ और फिफ्थ डे पे काफ़ी स्लो हो जाती है। तो अब देखते हैं पीसीबी ने कैसी पिच तैयार की है और पिच में स्पिन होता है या स्विंग होता है या प्योर बैटिंग पिच होती है, क्योंकि बैटिंग पिच हिंडी में बनवाई थी और पाकिस्तान को एक डी मेरिट पॉइंट थमा दिया गया आईसीसी की तरफ से, जो अगर 5 ईयर पीरियड में अगर 5 डी मेरिट पॉइंट्स आपके पास हो जाएं तो क्रिकेट बैन हो जाती है 1 साल के लिए और पाकिस्तान के पास क्रिकेट वैसे ही बड़ी मुश्किल से वापस आई है। तो अब पीसीबी को देख के एहतियात से स्टेप उठाने पड़ेंगे। अब देखते हैं टेस्ट सीरीज के बेनो कादर टेस्ट सीरीज के सेकंड टेस्ट मैच में क्या होता है।